कमठे च धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः। बोलिए देवादि देव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम तप धर्म की। 10 लक्षण महापर्व का आज 7वां दिन है। पिछले 6 दिनों में हमने उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य और उत्तम संयम धर्म का स्वरूप समझकर उसकी आराधना करने का प्रयास किया। अब आज उत्तम तप धर्म का क्या स्वरूप है और उसकी आराधना हम कैसे कर सकते हैं, इसे थोड़ा संक्षेप में समझते हैं। मैं रोजाना जानबूझ के सब धर्मों के नाम बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि कम से कम हम में से कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचना चाहिए कि जिनको 10 लक्षण धर्मों के नाम क्रम से याद ना हो। ये तो याद होना ही चाहिए ना, और अपने यहाँ 99% लोगों को है, मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी किसी को नहीं हो तो मैं रोज बोलता हूँ कि याद आ जाए और वो सब याद करो। अपने जैन धर्म की बातें याद करनी चाहिए, उन पर गर्व होना चाहिए। अरे दुनिया में सब लोगों को, छोटे छोटे संप्रदाय वालों को अपने धर्म पर बड़ा गर्व होता है और वे अपने धर्म की रक्षा के लिए जाने क्या क्या करते हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए। दुनिया में सब धर्म वाले अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए बहुत काम करते हैं और अपने को इतना महान वीतराग धर्म मिला जिनेंद्र भगवान का, इतनी अच्छी अच्छी वैज्ञानिक बातें मिली। कोई भी आदमी अगर शांति से जैन धर्म पढ़ता है ना, तो मैंने दुनिया में देखा है, मैं तो बहुत अजैन लोगों के बीच भी काम करता हूँ और वे सब ये कहते हैं कि साहब आपका जैन धर्म तो बहुत ऊंचा है, सब ये कहते हैं। वो कहते हैं सब ऊंचा है। हिंदू धर्म वाले भी मेरे दोस्त कहते हैं कि साहब हमारा धर्म तो सांसारिक गृहस्थ परिवार ये सब समाज ये बढ़िया चले इसके लिए है, और आपका धर्म तो बहुत ऊंचा है, आपके साधुओं जैसी तपस्या तो कोई कर ही नहीं सकता। एक दफे गौतम बुद्ध से भी पूछा था, उनके शास्त्रों में ही लिखा है, और ये लिखा उनसे पूछा कि जैन धर्म के बारे में आप, तो गौतम बुद्ध ने खुद कहा मैंने तो अपनी शक्ति कम जान के ये मध्य मार्ग अपनाया है, पर जैन धर्म बहुत उच्च कोटि का विशेष ज्ञान तप साधना यदि कहीं पाई जाती है तो वो जैन धर्म में पाई जाती है। इसलिए हमको, जिन लोगों को, हमारे साथियों को ज्ञान नहीं होता है, उनको तो करना चाहिए, हो सके तो दूसरों को भी खींचो अपनी तरफ। और आप तो अमेरिका में बैठे हो ना, कभी कभी कुछ लोगों को ऐसे को बुला करके जैन धर्म सुनाओ पढ़ाओ, उसे अंग्रेजी में बहुत किताबें हैं, व्हाट इज जैनिज्म, बैरिस्टर चंपत राय की लिखी हुई किताब है, बड़ी अच्छी, व्हाट इज, अंग्रेजी में बहुत किताबें हैं, मेरे पास से ले लो चाहिए हो तो। लेकिन किसी को वो सब दो, नॉलेज दो, तो उसको समझ में आएगा कि अरे ये तो पूरा का पूरा साइंस है। तो इसलिए हमको सबको
इस धर्म को अच्छी तरह समझना चाहिए। एक एक बात याद रखो, परीक्षा प्रधानी धर्म है। युक्ति से बहुत मिलना आसान नहीं, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, पर जिन धर्म जिन वाणी ये मिलना आसान काम नहीं है। ऐसे लिखा है ना संस्कृत में, एक दर्शन पाठ है, कभी पढ़ा आपने दर्शनम देव देवस्य? उसमें ऐसा लिखा है कि जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्त्यपि स्याचेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित। हे भगवान, मुझे जिन धर्म के बिना चक्रवर्ती पद भी मिले तो मैं ठुकरा दूंगा, और जिन धर्म के साथ मुझे किसी होटल पर नौकर बनने का काम मिले, कहीं पर कोई दास बनना पड़े तो मैं वो भी मंजूर करूंगा, झाड़ू पोछा लगा के जी लूंगा, लेकिन जैन धर्म चाहिए। ये क्यों लिखा? बहुत ऊंची बात है, इसलिए ये सब चीजें पढ़ो, पढ़ाओ, बच्चों को सिखाओ, सुनाओ, प्यार से बताते रहो, मौके बेमौके मौके का फायदा उठाया करो। अब बच्चा बर्थडे का आशीर्वाद लेने आए तो क्या बोलना उसको? कुछ ना कुछ दो बात, बेटा धर्म ध्यान में भी आगे बढ़ो, हमारा बहुत आशीर्वाद है, दोनों में आगे बढ़ो, हमको कोई उनके क्षेत्र में दिक्कत नहीं करनी है, लेकिन थोड़ा सा आप कहते जाओगे ना उनको कि कभी धर्म में जाओ, मंदिर में जाओ, तो ऐसी बात नहीं है वो सुनते नहीं है, सुनते हैं, उनके दिल में जाके लगती है, और आज नहीं तो कल हमारे सामने नहीं तो हमारे पीछे से असर तो होता है। इसलिए खुद को भी संभालो, अपने परिवार को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, और सबको थोड़ा थोड़ा संभालने की भावना रखनी चाहिए, और अपने धर्म पर दृढ़ रहना चाहिए। उसका ज्ञान होगा ना तो बहुत अच्छा होगा। एक दफे की बिल्कुल सही घटना है, मैं अपने घर के ऊपर छत पे घूम रहा था, शाम को भोजन करके छत पे घूम रहा था, तो हमारे अपार्टमेंट में एक सरदार जी भी हैं, सिख धर्म के अनुयायी, वो भी ऊपर छत पर घूम रहे थे, तो वो पूछने लगे, जैन साहब आपने तो भोजन कर लिया होगा। मैंने कहा हाँ, हम तो दिन दिन से भोजन करते हैं, हमारा भोजन हो चुका, हम सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं। तो वो मेरे से बोले, क्या जैन साहब आप भी? अरे पुराने जमाने में लाइट नहीं होती थी, तब लोग दिन से भोजन किया करते थे, आज तो जमाना बदल गया, बहुत लाइट हो गई, क्या आप अभी भी वही पुरानी रूढ़ी पीटते चले जा रहे हो? रात को नहीं खाना, क्या होता है रात को खाने से? रात को खा सकते हैं आज तो, ऐसे वो मेरे से बोले। तो मैंने उनसे कहा, सरदार जी एक बात बोलूं, बुरा ना मानो तो? बोले हाँ बोलो ना। मैंने कहा आप ये बताओ, आप ये दाढ़ी ये बाल ये क्यों रखते हो? ये 300-400 साल पहले जब बढ़िया रेजर नहीं होते थे। मैंने कहा पहले के जमाने में ये नहीं होते थे पहले, आज बढ़िया से बढ़िया हेयर ड्रेसिंग सैलून खुले हुए हैं शानदार, अब आजकल अब तो दाढ़ी बनाना चाहिए, उस समय की जरूरत थी इसलिए बाल बढ़ाते थे, बाल बढ़ा के रखना पड़ता था दाढ़ी वाले, अब तो आप कहीं को रखते हो, आज तो बढ़िया जिलेट सेंसर एक्सल आ रहा है, कहीं को घबरा। तो कहने लगे, जैन साहब आप क्या बोलते हो? मैंने कहा क्यों, चुभ गई ना बात, लग गई ना? मैंने कहा आपने मेरी परंपरा पर उंगली क्यों उठाई? ये मेरी परंपरा है, वो आपकी परंपरा है, आप पालो। आपने मेरी परंपरा पर उंगली क्यों उठाई? आज साइंस भी कह रहा है
कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए। मैंने तो आपको नहीं छेड़ा था ना, पहले किसने छेड़ा मुझको? आपने मेरे धर्म की बात की, हंसी कैसे उड़ाई? तो कहने लगे कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सॉरी। कान पकड़ा, सॉरी बोला, कान पकड़ के सॉरी बोला। मैंने कहा नहीं, वो कोई बात नहीं, आप हम भाई भाई है, आप समझो तो मैं समझा सकता हूं। अपन बातों को थोड़ा सा शांति से करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टॉन्टिंग करो तो नहीं चलेगा। तो ऐसे हमको भी बातों को तरीके से करना आना चाहिए। सब समझते हैं, उनके समझ में। और वो बाद में है ना, अब जब भी मिलते हैं तो कहते हैं रात में खाना नहीं खाना तो बहुत अच्छी बात होती है, बड़ा साइंटिफिक है, आपकी हेल्थ इसलिए ठीक है, आप रात को नहीं खाते हो, हमने भी अब थोड़ा थोड़ा जल्दी कर दिया है। उन्होंने बोले हमने पहले हम देर से खा के सोते, तो धीरे धीरे सुधार आता है ना। आपको हमारी परंपराओं, और मैं जरा उनकी बात ऐसे ही सुन के रह जाता, मैं भी हो सकता है मुझे ज्ञान नहीं होता, मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हो सकते हैं जिनको ज्ञान नहीं हो तो वो भी कह देंगे हाँ भाई अब क्या करें, लेकिन हमारे बड़े बूढ़ों ने ये चला रखा है, सो ये वो, अब तो खा सकते हैं। तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते। हमने उनको जवाब दिया और प्यार से दिया तो समझ में आई ना। इसलिए अपने को अपने धर्म पर बड़ा दृढ़ होना चाहिए। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा पर मजबूत रहना चाहिए। पर्वत हिल जाए लेकिन हमको नहीं हिलना चाहिए, ऐसा अपने धर्म पर अटल रहो। कोई भी बात आए और आपसे उत्तर ना लगे, कोई बात नहीं आती हो तो आप पूछा करो। मैंने तो आपको ओपन दे दिया ना, मेरा नंबर ले लो, पूछो, क्या चिंता। आज के ज़माने में तो बहुत अच्छे साधन है। इसलिए बहुत शांति से सब चीज़ों को समझो। तो 10 धर्मों के नाम सबको याद होना चाहिए। और अब उत्तम तप धर्म का छंद है, बहुत अच्छा है, देखो अर्थ करो। तप चाहे सुर राय करम शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज सकति सम। ये बहुत अच्छे छंद है, अष्टक बोलते हैं इसको। इसमें एक सोरठा होता है, एक चौपाई होती है और एक रोला होता है। तीन छंदों को मिला करके ये छंद बना है और इतना सुंदर गेय बना है। मैं तो इसके म्यूजिक पर लट्टू होता हूँ, क्या इसका म्यूजिक है, मुझे बहुत आनंद आता है। मैं कितना गाता गुनगुनाता रहता हूँ इसको, बहुत गुनगुनाता रहता हूँ। तो देखो क्या लिखा के सुर राय, सुर राय माने सुर माने देवता, देवताओं का राजा मींस इंद्र, इंद्र भी तप को चाहता है। तप एक ऐसी अद्भुत चीज है कि कर्म रूपी शिखर माने पर्वत, शिखर माने बड़ा पर्वत, बहुत बड़ा पहाड़। कर्म है वो बड़े पहाड़ के समान हमारी आत्मा पर है, और जो वज्र है वो एक अद्भुत अस्त्र होता है। एक वज्र मारो तो सारा पर्वत चकनाचूर। जैसे आज तरह तरह के हथियार मशीनें आ गई ना, जब पहले मकान तोड़ना होता था तो महीनों लगते थे, आज बुलडोजर आ गया, एक बुलडोजर चलाओ तो सारा मकान धाड़ से गिर जाता है, बड़े बड़े महल गिर जाते हैं। तो कर्म है वो पर्वत है बहुत बड़ा, और तप क्या है, बुलडोजर है वो। तप करो असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है, देखो तो सही।
और कर्म कितने प्रकार, तप कितने प्रकार का है? द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। ये 12 प्रकार का तप होता है, सुखदायक होता है। हे भाई, तू अपनी शक्ति अनुसार क्यों नहीं करता? भाई देखो कैसे प्यार, करनी का क्यों नहीं करता, कर, बहुत बहुत अपीलिंग हो गया। तू क्यों नहीं करता तप? तेरे से जितना सा हो उतना कर, अणु बराबर। जैन धर्म का एक शब्द है अणु व्रत, मुझे ये अणु शब्द, इससे ज्यादा क्या कह सकते थे, अणु बराबर करो। कैसे कैसे, जैन धर्म बड़ा प्रैक्टिकल है। जैन धर्म में एक व्रत है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत जानते हैं? अनर्थ दंड व्रत का मतलब है फालतू का पाप मत करो। आपको नहाना है, नहाओ, एक बाल्टी, दो बाल्टी, 10 बाल्टी से नहाओ, लेकिन जब नहा लो तब तो बंद कर दो। अनर्थ दंड माने क्या, कि आप जब बैठे हो तब चला लो जो तुमको चलाना है, कूलर, एसी, जो टीवी, पंखा, जो चलाना है चला, लेकिन जब हटो तब तो बंद कर दो। वेस्ट तो मत, फालतू का पाप तो मत बांधो। ये कितनी अच्छी बात है, आपको जीने को मना नहीं किया, भोगने को मना नहीं किया, पर फालतू का पाप तो मत बांधो। आप चीज इकट्ठी करते हो, ना खाते हो ना खिलाते हो, तो क्या होता है, पाप बनता है। हमने लाके 5 किलो बादाम रख दी, अब ना खाई ना खिलाई, उनमें लट पड़ गई, पाप किसको लगेगा? वो सुनाता रहता हूं ना मैं, धन की गतियां 3 हैं, दान भोग और नाश। दान भोग यदि ना किया निश्चय हो यह विनाश। इसलिए अपनी शक्ति अनुसार जरूर तप करो। जैन धर्म का ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, शक्ति तस् त्याग, शक्ति तस् तपसी, कीजे शक्ति प्रमाण। पूजा में क्या लिखा, ये ओरिजिनल प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, जम सक्कदि तम किज्जदि, जम चण सक्कदि तहेव सद्दैणम, सद्दैमाणो जीवो पावदी अजरामरम ठाणम। इसी को आप हिंदी में बोलते हो, कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान, अजर अमर पद भोगवे। कितनी अच्छी बात लिखी है। जैन धर्म में कभी भी जबरदस्ती नहीं है। मैंने एक वाक्य बोला था ना पहले दिन, जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। यहाँ कुछ भी काम जबरदस्ती का नहीं है, सब अपने इच्छा में बनते, मैं अपनी इच्छा से करता हूं। तो देखो 12 प्रकार का तप है। कौन 12 प्रकार? 6 अंतरंग, 6 बहिरंग। 12 प्रकार का तप होता है, 6 बहिरंग तप है, 6 अंतरंग तप है। अनसन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, ये 6 बाहर के तप है। और 6 अंतरंग तप है, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान। ये 12 प्रकार के तप है। और पहले से पहले बहिरंग गिनना, बाद में अंतरंग गिनना, और उनमें बाद के 6 को 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर देना। और पहले से दूसरा बढ़िया है, बड़ा है,
तीसरे से चौथा बड़ा है, चौथे से पांचवा बड़ा है, पहले तप का नाम क्या है अनसन, और लास्ट तप का नाम क्या है ध्यान। अगर पहल अनसन साल भर भी करो तो केवल ज्ञान की गारंटी नहीं है, लेकिन ध्यान 48 मिनट कोई कर ले तो गारंटी से केवल ज्ञान होता है। ये कितनी बढ़िया बात है, समझ में आई आपको? आपको थोड़ी देर बोलूं ना मैं नितिन भाई, 15 मिनट अभी, हाँ, दो तीन बहुत अच्छी बातें सुनानी है आपको। हाँ देखो, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। तीन तीन पोजीशन बनती है, तीन स्थिति है। एक तो को कहते हैं अशुभोपयोग, दूसरे को कहते हैं शुभोपयोग, और तीसरे को कहते हैं शुद्धोपयोग। तीन ही पोजीशन होती है, चौथी कोई पोजीशन नहीं हो। तीन लोक में जितने भी जीव है अनंतानंत, उनके साथ में तीन कंडीशन है। पहली का नाम क्या है अशुभोपयोग, दूसरी का नाम है शुभोपयोग, और तीसरी का नाम है शुद्धोपयोग। जब कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया इनमें लगा है तो वो क्या है अशुभोपयोग, और जब वो अहिंसा, सत्य, दया, अचौर्य, ब्रह्मचर्य इनमें लगा है, पूजा पाठ स्वाध्याय इनमें लगा है तो क्या है शुभोपयोग, और जब इन दोनों में नहीं है, इन दोनों से ऊपर उड़ जाता है तो उस दशा का नाम है शुद्धोपयोग। तीन दशा है। सुनो, बहुत गजब की बात बता रहा हूं आपको, रहस्य बता रहा हूं आज। देखो, अशुभोपयोग क्या, जब हिंसा झूठ चोरी में चल रहे हैं, खाना है, कपड़े बंद धोना है, सफाई करना है, क्या चल रहा है अशुभोपयोग, और जब पूजा पाठ कर रहे हैं, अभी स्वाध्याय सुन रहे हो तो क्या चल रहा है शुभोपयोग। अशुभोपयोग भी ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट रहता है। किसी भी जीव के अशुभोपयोग 48 मिनट से ज्यादा नहीं रहता, कोई भी हो, नरक का नारकी हो, तिर्यंचो, कोई भी, कोई होता है ना, कोई कोई हत्यारा है, कोई कत्ल खाने में काम कर रहा है, 8 घंटे ड्यूटी दे रहा है, उसके भी 48 मिनट से ज्यादा अशुभोपयोग टिकता नहीं है। 1 मिनट को चेंज होके चाहे फिर शुरू हो जाए अशुभोपयोग, लेकिन कंटिन्यू ज्यादा से ज्यादा अशुभोपयोग रहेगा तो 48 मिनट रहता है। ऐसे ही शुभोपयोग भी कंटिन्यू ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट रहेगा। कल अपन ने दिन भर पूजा करी तो दिन भर शुभोपयोग रहा क्या? आपको पता नहीं चलता है पूजा करते करते कब आप नीचे भोजन करने चले गए, कब घर चले गए। आपका शरीर यहां बैठा रहा लेकिन आपका मन चला। 48 मिनट से ज्यादा कंटिन्यू किसी के भी शुभोपयोग नहीं रहता है, चाहे वो कोई बहादुर हो, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, मैं कोई भी समझ लो, कोई भी हो, मुनि महाराज भी हो, कोई भी हो, 48 मिनट से ज्यादा लगातार शुभोपयोग नहीं रहता। और अशुभोपयोग भी चाहे कोई भी हो, पापी से पापी, उसके भी अशुभोपयोग भी उसकी मर्यादा है, उत्कृष्ट मर्यादा अंतर्मुहूर्त 48 मिनट में गारंटी से चेंज होना ही है, चाहे 1 मिनट कोई चेंज होकर फिर कंटिन्यू हो जाए। शुद्धोपयोग, हमारी आपकी दशा ये हो रही है कि हम अशुभ में रहते हैं, शुभ में आते हैं, फिर अशुभ में आते हैं, फिर शुभ में
हम शुभ और अशुभ में ही झूल रहे हैं। शुद्ध अभी हमारे जीवन में कभी एक सेकंड को भी प्रकट नहीं हुआ। और असली धर्म तो उसका नाम है जब शुद्धोपयोग प्रकट हो, उसके पहले सम्यक दर्शन नहीं, उसके पहले चारित्र नहीं, उसके पहले धर्म नहीं। शुभ और अशुभ से ऊपर उठने का नाम धर्म है। और वो क्या होता है, जब सबसे पहले होता है, जब फर्स्ट टाइम शुद्धोपयोग होता है, तो वो एक सेकंड से भी कम का होता है। लेकिन आनंद ऐसा आता है सिद्ध जैसा कि फिर मन मोही जाता है, अरे वो फिर से हो जाए, तो वो 2 सेकंड होता है, 3 सेकंड होता है, 4 सेकंड होता है। मुनि महाराज भी रात और दिन प्रैक्टिस करते हैं तो उनको कभी 10 मिनट होता है टूट जाता है, 12 मिनट होता है टूट जाता है, 15 मिनट होता है टूट जाता है, पर कंटिन्यूअस शुद्धोपयोग 48 मिनट मुनि महाराजों को भी नहीं हो पाता है। और जिन मुनि महाराज बाहुबली भगवान खड़े रहे साल भर, तो उनको भी 48 मिनट ऐसे नहीं आए कि जब वो स्थिर हो गए। होते थे आत्मा में स्थिर शुद्धोपयोग में, टूट जाता था, लेकिन साल भर बाद एक दिन ऐसा आ गया कि जब वे 48 मिनट पूरे कंटिन्यू शुद्धोपयोग में टिक गए। और जब शुद्धोपयोग में टिक गए तो उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। समझ में आया आपको? 48 मिनट अगर लगातार शुद्धोपयोग में हम आप कोई रह जाए, कोई भी जीव रह जाए, तो केवल ज्ञान होने की गारंटी है। गारंटी से केवल ज्ञान होता है। देखो तो सही, कमाल की बात। ये अब खुद करना पड़ता है। बाहुबली भगवान खुद कर रहे थे, कौन क्या कर रहा था? भरत चक्रवर्ती को देखो, किसी किसी को कैसे, आदिनाथ भगवान को कितने दिन लगे, महावीर भगवान 30 साल की अवस्था थी तब दीक्षा ले ली, ट्राई कर रहे थे कि 48 मिनट शुद्धोपयोग हो जाए, लेकिन उस ट्राई करने में उनको भी कितने साल लग गए, 12 साल। 12 साल बाद प्रैक्टिस सक्सेस हुई और वो टिके और केवल ज्ञान हुआ। तो ये तरीका है हमको आपको, लेकिन भरत चक्रवर्ती इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस घर में करके आए थे कि मुनि बने, और मुनि बनते ही अपनी आत्मा में लीन हो गए। और ऐसे लीन हुए कि ना आहार लेने गए, न कहीं चले, विहार किया, कुछ नहीं किया, और 48 मिनट बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देखो तो सही, इसका नाम असली जैन धर्म है। और बाकी सब बातें कोई झूठ नहीं, खराब नहीं, पर सब इस काम के लिए है, सब साधन है। और ये असली किसी क्रिया की बुराई नहीं है। जैन धर्म में नाना जीवों की अपेक्षा सबको धर्म पर लगाने के लिए सैकड़ों काम बताए गए हैं। हम सबका समर्थन करते हैं, लेकिन सबका पर्पज क्या है? शुद्धोपयोग। अगर इसकी तरफ बढ़ो तो सब बढ़िया है, और इसकी तरफ नहीं बढ़ो तो वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ये 12 प्रकार के तप है, जिनमें सर्वोत्कृष्ट तप का नाम है ध्यान, पहले तप का नाम है अनसन, दूसरे का अमोदर। तप की परिभाषा भी याद रखो, इच्छा निरोधस तपः, इच्छा को काबू में करना है। अनसन से भी ज्यादा बड़ा तप माना ऊनोदर। ऊनोदर माने, ऊनोदर माने ऊन माने थोड़ा सा, और उदर माने पेट। शास्त्र में एक कहानी आती है कि एक मुनि महाराज थे और उन्होंने 1 महीने का उपवास किया,
और एक महीने का उपवास करने के लिए करके आहार लेने आए, तो आहार लेने आए तो ऐसे अंजुली में जरा दो चार चावल लिए, चार चावल खाए और फिर आ गए रे एक महीने का, फिर उपवास किया। तो किसी ने कहा, महाराज जी आपने काय को लिए वो दो दाने, नहीं लेते तो कम से कम दो महीने का रिकॉर्ड तो बन जाता, आपका नाम गिनीज बुक में आता। तो बोले अब तक है ना 59 दिन तक के नाम है, आपका डबल होता तो आप टॉप पे होते। महाराज जी ने कहा तप कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं होता है, तप तो अपनी इच्छाओं को जीतने के लिए होता है। मैं एक महीने उपवास करके आहार लेने इसलिए गया कि चेक करूं इच्छाओं का निरोध हुआ या नहीं। खान भोजन पर नहीं बैठना वो अलग बात है, और बैठो और फिर जरा सा खा के उठ जाओ वो बहुत कठिन काम है, फिर नहीं छोड़ी जाती थाली। तो ये इसलिए ये व्रत है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अर्थ है। देखो सबकी 12 तपों की चर्चा करो तो 12 घंटे चाहिए। उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना, बस्यो अनादिनि गोद मजारा, भूविकला त्रय पशु तन धारा। हे भाई ये उत्तम तप सबसे श्रेष्ठ है, कर्म रूपी शैल माने भी पर्वत होता है, उसके लिए वज्र के समान है। तू सोच तो सही, अनादि काल से तू निगोद में पड़ा था, एक सांस में 18 बार जन्म मरण कर रहा था, सोच तो सही तू आया कहाँ से है, क्या हालत में जीता था। कभी तू पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति कायिक बना, लट कीड़े मकोड़े, अरे क्या क्या दिन बिता के आया है तू, क्या क्या नहीं बना है वो दिन याद कर। पशु बना था, बांध दिया भैंस को, ढो बोझा बैल को बांध दिया, बोझा ढोते भूखे प्यासे, नाक छेदो कान छेदो पाँव में ठोको, कितने कितने दुख सहन करके तू आया है याद तो कर। तूने परवश हो के बहुत दुख सहन किए, आज जरा अपनी मर्जी से करके देख, फिर तेरे को क्या फायदा होता है। देखो बस यो अनादिनि गोद मजारा, भू भू माने पृथ्वी, विकलत्रय दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री को कहते हैं विकलत्रय, पशु त्रियंश का शरीर धारण किया, धारा मनुष्य तन महादुर्लभ सुकुल आयु निरोगता। और अब तूने मनुष्य शरीर जो महादुर्लभ है, उत्तम कुल है, ऐसी आयु है, ऐसा निरोग शरीर प्राप्त किया है, जिनवाणी प्राप्त की है, तत्वज्ञान प्राप्त किया है, सब अनुकूलताएं मिली है, अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय, जो तप आदरे नर भव अनुपम, कनक घर पर मणिमयी कल साधरे। ये महादुर्लभ मनुष्य जन्म है, उसमें जो जीव विषय कसाय का त्याग करके तप का आदर करते हैं, सो समझो मनुष्य भव तो पाया, पर मनुष्य भव पर समझ लो सोने का कलश चढ़ा दिया। कलश की बोली हुई थी ना, हाँ हलवे दो, तो मनुष्य भव पे कलश चढ़ाओ, कैसे चढ़ेगा, तप करो, अपनी शक्ति अनुसार संयम धारण करो, तप धारण करो, तो ये रत्नों का कलश चढ़ जाएगा इस मनुष्य जीवन पर। समझो समझो, कुछ नहीं रखा,
पापों से जीवन में तरक्की, किसी लौकिक की जीवन में भी तरक्की होती नहीं है, संयम और तप से ही लौकिक जीवन भी खुशहाल बनता है, सुंदर बनता है। मैं रत्नकरंड श्रावकाचार्य का स्वाध्याय करता रहता हूँ यहाँ बीच बीच में, उसमें ये लिखा है, अरे जो धर्म ध्यान करेगा वो मानव तिलक बनेगा, उसे यश विजय लक्ष्य क्या नहीं मिलेगा, उसे नवनिधि सब कुछ मिले। धर्म का अपरंपार फल है ये समझकर हम सबको धर्म ध्यान में समर्पित हो जाना चाहिए। बोलो उत्तम तप धर्म की जय हो। बहुत अच्छा किया। अभी आपने विसर्जन पाठ में शांति पाठ और अर्घ लेवड़ा युद्ध रीति लेवड़ा होता है तो शास्त्र सांभ्यू तो नीचे न स्वयं को लिख लड़ाई तो नहीं।